रूस में रविवार को एक पैसेंजर प्लेन में उड़ान के दौरान भीषण आग लग गई। हादसे में करीब 41 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्लेन से बड़ी बड़ी आग की लपटें उठती दिखाई दे रही है। साथ ही दूसरी ओर कुछ लोग प्लेन से बाहर निकल रहे हैं। हादसे का शिकार हुआ विमान नेशनल कैरियर एयरफ्लोट का सुखोई सुपरजेट था, जिसमें 78 लोग सवार थे। रविवार को मुर्मांस्क एयरपोर्ट से उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद प्लेन के पिछले हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद मास्को एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, लेकिन तब तक आग बहुत अधिक फैल चुकी थी। मास्को के एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग के दौरान विमान में विस्फोट हो गया, इसके बाद प्लेन काफी दूर तक आग की लपटों के साथ गया। साथ ही आसमान में भी गहरा काला धुआं नजर आया। रूसी जांच कमेटी ने बताया कि 37 लोगों को हादसे में बचा लिया गया है, जबकि 41 लोगों की मौत की खबर है। सोशल मीडिया पर इस हादसे के कई वीडियोस भी आ रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से प्लेन आग लगने के बाद रनवे पर उतरा और जलकर खाक हो गया। रूसी जांच कमेटी इस हादसे की जाँच कर रही है। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।